अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बात 2 अप्रैल 1984 की है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चांद पर पहुंचे राकेश शर्मा से पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। जवाब मिला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज फिर से ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण सामने है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है। इसरो की टीम निसंदेह इसके लिए बधाई की पात्र है। उनकी मेहनत व इच्छा शक्ति से ही ऐसा संभव हो पाया है। इस लैंडिंग को लेकर भारत में उत्साह का माहौल है। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा और क्या चर्च, सभी जगह प्रार्थना का दौर जारी है। उधर इसे लेकर मीम की भी धड़ाधड़ लॉन्चिंग हो रही है, डालिए इन पर भी एक नजर। पहले देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा के बीच का वार्तालाप। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अब इस पर धड़ाधड़ बन रहे हैं मीम। एक मीम में कहा गया है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। दूसरे में दिखाया गया है चंद्रयान 3 ने भेजी पहली तस्वीर, नासा वाले भी हैरान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो, शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। उधर मेरठ के खगोल वैज्ञानिक दीपक शर्मा ने बुधवार को स्कूली बच्चों को चंद्रयान 3 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब भारत इतिहास रचने जा रहा है, जिसका फायदा भविष्य में भारत को होगा। आज उन्होंने मीडिया से यह वार्ता की। देखिए चंद्रयान 3 की बात यह है कि ये चंद्रयान 1 ने तो पानी की बात कर दी थी और चांद पर उतरने वाले 3 देश महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है आपका जो है नासा अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। चौथा देश बन गया है भारत, इसमें उतरने वाला बनेगा आज दक्षिण, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश होगा भारत, क्योंकि यहाँ पर पानी की असीम संभावनाएं हैं, ईंधन की और तेलों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे तत्व और खनिज तत्व मिल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए चंद्रयान 3 को यहाँ उतारा जा रहा है। और यही कारण है केवल 14 दिन काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ अंधेरा है और अंधेरे में इसकी जो बैटरियाँ हैं वो केवल 14 दिन ही काम कर पाएंगी। उजाले के चार्जेस से अब चार्ज हो गई हैं, अब चार्ज होने के बाद में अब अगले अंधेरे में काम करेगा ये, तो 14 दिन के लिए काम के लिए इसको भेजा जा रहा है। हो सकता है कि मे बी पॉसिबल जैसी बैटरी खत्म होने वाली हो फिर वापस उजाले में आ जाए, फिर अंधेरे में 14 दिन के लिए काम करे, ये भी संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो जब खनिज और ईंधन मिल जाएगा तो ये अगले पड़ाव का एक रास्ता होगा, माध्यम होगा। पृथ्वी से जब कहीं दूर अंतरिक्ष में हमें जाना होगा तो उसके बाद में हम चांद पर उतरेंगे, चांद पर से ईंधन भरेंगे और फिर अगली यात्रा के लिए निकल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चांद से अगली यात्रा के निकल जाएंगे। तब तक हो सकता है कि चांद के बाद में हम मंगल ग्रह पर भी अपना एक लॉन्चिंग पैड बना दें और तैयार हो जाएं कि बस अगला पड़ाव पहला चांद और उसके बाद फिर मंगल हो, और फिर ऐसे ही करते करते हम आगे तक दूर तक आकाश गंगा को जान सकें और उसकी अथाह को पा सकें। कितनी स्पीड से इसको उतरने की पूरी संभावना देखी जा रही है? जिस समय 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह जाएगा और लास्ट फाइनल जो है लैंडिंग शुरू करेगा, उस समय इसकी स्पीड जो है 1680 मीटर पर सेकंड होगी, और नीचे तक आते आते जब 10 मीटर ऊंचाई पर रह जाएगा ये, तब उसकी स्पीड मात्र 1 मीटर पर सेकंड होगी। इससे पहले 2 बार कोशिश कर चुके हैं, तीसरी बार हम सफल होते नजर आ रहे हैं। 13 तारीख की क्यों चुनी वैज्ञानिकों ने, और जो आप चंद्रयान 4 के बारे में कुछ जिक्र करें तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। देखिए 23 तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि 23 तारीख से यहाँ उस पार्ट पे उजाले वाला पार्ट रहेगा, उतने हिस्से पे दिन रहेगा, तो दिन के समय पे लैंडिंग करना आसान होता है, इसलिए 23 तारीख का चयन हम लोगों ने किया था। दूसरी बात यह है कि चंद्रयान 4 जो अगला पड़ाव है,
अगला जो यान होगा हमारा, अगली जो यात्रा होगी, उस यात्रा के लिए पहले से कमिटमेंट हो गया है। अब हमारे नासा ने और यूरोपियन कंट्रीज़ के उपकरण जो हैं पहले से अनुबंधित हो गए हैं कि भैया हमारे सामान लेके जाना, ये जो है क्लियर कट है, अनुबंध हो चुका है, पेपर पर साइन हो चुके हैं कि उसका पेमेंट देंगे वो लोग। यानी कि एक अच्छा खासा बिजनेस और राजस्व धन की प्राप्ति भारत को होने वाली है। तो भारत इसरो जो है खाली मजाक में नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा बिजनेस का एक नया मॉड्यूल तैयार हो रहा है देश के लिए। ये बड़ी बात है जिस पर हमें गर्व करने की बात। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।